रेवाड़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जो दिन दहाड़े लूट की वारदातों को अंजाम देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। सोमवार को भी दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाश एक सीएससी संचालक से हथियार के बल पर 22,000 की नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि बावल के तिवाड़ी मोहल्ला निवासी यश रुस्तगी ने बावल तहसील के सामने सीएससी सेंटर खोला हुआ है। रोजाना की तरह सोमवार सुबह भी वो अपनी कार में सवार होकर सीएससी सेंटर जा रहा था कि रास्ते में औद्योगिक क्षेत्र के पीछे के रास्ते पर 3 बाइक पर सवार होकर आए 9 बदमाशों ने उसकी गाड़ी के आगे बाइक लगाकर गाड़ी को रुकवाया और हथियार दिखाकर उसके पास से 22,000 की नकदी और मोबाइल फोन छीन लिया और वारदात को अंजाम देकर मौके से बदमाश फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। सूचना के बाद बावल डीएसपी राजेश कुमार भी तुरंत मौके पर पहुंचे और रेवाड़ी धारोडा सीआईए टीम सहित बावल और कसोला थाना पुलिस टीम को भी बदमाशों की धरपकड़ के लिए एक्टिवेट कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि पुलिस टीम लगी हुई है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बावल औद्योगिक क्षेत्र में लूट और छीना झपटी जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। अक्सर सूचनाएं आती हैं कि कंपनी कर्मचारियों के साथ मारपीट करके छीना झपटी की जाती है। जरूरी है कि पुलिस औद्योगिक क्षेत्र में भी गश्त बढ़ाए ताकि आपराधिक वारदातों को रोका जा सके। नाम यश रुस्तगी, निवासी मोहल्ला तिवाड़ी चौक का रहने वाला हूँ। सुबह करीब 10:15 से 10:30 बजे के बीच में अपने घर से निकला हूँ और 4 रोड पे कंपनी एरिया में मेरे साथ लूट की वारदात हुई है, जिसमें मेरे 22,000 रुपये और मेरा फ़ोन वो ले गए हैं। 9 बंदे थे, 3 बाइक थी। तो कैसे, क्या मामला हुआ? बस उन्होंने आके, मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, उन्होंने आके मेरे आगे 2 बाइक लगाई हैं, एक साइड में लगाई है, मेरे साथ छीना झपटी धक्का मुक्की करी है, फिर एक ने आके मेरे तबंचा लगाया है और पैसे और फ़ोन छीन के ले। ये अभी अपने बावल में अनाज मंडी के पीछे जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ एक वारदात अभी हुई है। ये एक भाई हैं जो तिवाड़िया मोहल्ले से और अपने आते हैं अपनी शॉप के ऊपर, तो इनसे अभी कुछ मोटरसाइकिल सवार लोग थे, उन्होंने पैसे और मोबाइल इनसे छीना है। तो उसमें अभी इनका लेके इन्फॉर्मेशन और SHO कसोला, SHO बावल, CIA रेवाड़ी, CIA धारवाड़ा, सारी टीम्स लगी हुई हैं और जल्दी ही करेंगे इसमें।